गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो आपसे बात करने वाला हूं मैं कि ट्रेन के एक कंप्लीट ट्रेन में तो जनरल कोचेस होते हैं, उसको रिजर्वेशन के साथ जोड़ा क्यों नहीं जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि टीटी वगैरह को टिकट चेक करने के लिए या जो पेंट्री कार के लोग हैं उनको खाना सप्लाई करने के लिए जनरल डिब्बे में भी जाना पड़ जाए, तो वो लोग कैसे जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं करा जाता। आज इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हम इंडियंस की सोच और हमारा हर काम को करने का तरीका। हमें हर जगह चाहिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। किस तरह से एक्स्ट्रा? अगर आपने स्लीपर बुक कराया है तो आप एसी में ट्राई मारते हो, थर्ड एसी बुक कराया है तो सेकंड एसी में ट्राई मारते हो, और सेकंड एसी बुक कराया तो फर्स्ट एसी में होके जरूर आते हो। यही तरीका है, क्योंकि आप सबको पता है कि जनरल कोचेस के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन कोच में घुसने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे ये सब तो हमें ही पता है, क्यों बता रहे हो? भाई कॉमन सी बात है, वीडियो बना के इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने इसके ऊपर। इसलिए अब देखो, थोड़ा सा मैं टेक्निकल होकर बताता हूँ आपको कि क्यों अटैच नहीं करती इनको आपस में। देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रिजर्वेशन कोचेज में वेस्टिब्यूल्स क्यों होती हैं, ठीक है? वेस्टिब्यूल्स क्यों होते हैं, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड क्यों होते हैं? देखो, रिजर्वेशन कोच के अंदर जो आपकी सीट होती है वो प्री डिसाइडेड होती है, और पैसेंजर को पता है कि उसको किस डब्बे में किस सीट नंबर पर जाके बैठना है, ठीक है? तो ऐसे में अगर आप जल्दीबाजी में किसी और डब्बे में चढ़ जाओ तो आप अपनी सीट तक आराम से पहुंच सकें, इसलिए उनको आपस में इंटरकनेक्टिविटी दी जाती है। जो टीटी है वो आराम से टिकट चेक कर सके हर स्टेशन की, इसलिए इंटरकनेक्टिविटी दी जाती है। अगर ट्रेन में एक पेंट्री कार है तो पेंट्री कार के लोग खाने की सप्लाई को आराम से जारी रख सके, इसलिए इंटरकनेक्टिविटी दी जाती है। दूसरी तरफ देखें, अगर एक जनरल कोच में तो वहाँ पे पैसेंजर की कोई फिक्स सीट नहीं होती, वो जाके कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है? इस वजह से उनको आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं दी जाती है, और उनको रिजर्वेशन कोच के साथ भी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? बेसिक कारण है इसके पीछे ये। वीडियो को फालतू में लंबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही कारण है जो मुझे पता है। अगर आप में से किसी को भी इसके अलावा कोई और कारण पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना, वहां देखते हैं। और अच्छा लगा तो मैं एक अलग वीडियो बना के सब लोगों के साथ उस कारण को शेयर जरूर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तो जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।